मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक आरपी लाइव ब्लॉग। और आज है सप्तमी। जी हाँ, काल रात्रि का दिन है आज। और आज से हम लोगों की मंडली जाएगी घूमने दुर्गा पूजा कोलकाता की। वैसे यहाँ पे तो चतुर्थी से ही सब घूमना शुरू कर दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, वो भी अनकंडीशनल। बट देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग अगल बगल में दो तीन पंडाल है, तो सोचे कि चलो थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। और आज का वेदर लग रहा है बारिश होने वाली है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं जब निकलेंगे तो बात की बात है। अभी फ़िलहाल अगल बगल का जो पंडाल लगा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोगों के साथ आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोगों के घर के बगल में एक मठ है, यहाँ पे ओरिजिनल दुर्गा जी का सारा, मतलब दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश भगवान, कार्तिकों को ओरिजिनल बैठाया गया। बट अभी मॉर्निंग है तो बंद है, इवनिंग में ही सब बैठेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान को उस रूप में दर्शाया गया है तो कोई 24 घंटा थोड़ी बैठेगा। और ये देखिए, ये सब जो कोलकाता में लगा है पंडाल, वो सारी चीज़ें, ये दक्षिणेश्वर कोलकाता का काली जी का मंदिर, ये सब दिया हुआ है बगल में। तो शाम को हम लोग आएँगे नेक्स्ट डे, तो दिखाएंगे आपको। पुष्पांजलि दे के आने के बाद हम लोगों ने नाश्ते में मैगी खाया, काफी लेट हो चुकी थी। नमक है बहुत, कहा जाने हमको नमक बहुत लग रहा है। सब रेडी हो चुके हैं घूमने जाने के लिए। वैसे अभी फिलहाल ज्यादा शाम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकलेंगे। और मैं अभी आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। ऐसा है मेरा कुछ आज का आउटफिट, हो अच्छा लग रहा होगा। और रेडी तो हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, ज़रा हैंकी देना शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैंने तो सबको एडवाइस दिया है कि एक बड़ा सा गमछा ले लीजिए बैग में, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत पसीने आने वाले हैं, पता नहीं क्या हालत होने वाला है। और आज का मेरा लुक कुछ ऐसा है, मैंने सिंपल आई लुक रखा है, थोड़ा बोल्ड लिपस्टिक दिया है, और होप अच्छा लग रहा होगा। तो बिना किसी देरी के चलेंगे। बट उससे पहले मैं आपको आज सबसे इंट्रो भी कराऊंगी, क्योंकि सभी बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं, घूमने जा रहे हैं। तो चलिए मैं एक एक करके सबसे आपसे इंट्रो कराती हूँ। ये है अनुराग, हेलो करो। ये है अनुराग, मेरा दीदी का बेटा। और ये है मेरी दीदी की बेटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी है, और इसका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए कितनी क्यूट लग रही है, और इसको मैंने रेडी किया है। और ये है दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए आप इसका लुक, बहुत ही अच्छी लग रही है। तरबर हो ये, चलो ये रहे जीजा जी। दिस क्लाउड, भीड़ देखिए आप लोग, यहाँ पे हालत खराब हो चुकी है हम लोगों की भीड़ में। रखते पीछे भी वैसा ही भीड़ थी, अनलिमिटेड।
अरे तो एक साथ उतना लोगों को कैसे वो जाने दे पंडाल में? देखो ना जी रानी को बाबा। और इसी लाइन में सब खड़े आराम से। फोटो लीजिए ना, वहाँ से लीजिएगा ना, मोबाइल खराब है। इतना लाइन में लगे रिकॉर्डिंग भी ना करे हूँ। फोटो भी लेना है। अरे सिर्फ एक पंडाल देखा है हम लोगों ने, 2.5 घंटे लाइन में लगना पड़ा। और हालत देखिए, पसीने से पूरा हालत खराब हो चुकी है और जाने में भी लाइन ही लगा हुआ है। ऑलमोस्ट इतना ज्यादा भीड़ है, आने में तो लाइन आपने देखा ही कितना था, जाने में भी वैसा ही भीड़ है, आप लोग देख ही रहे हैं। देखते हैं कि दूसरा पंडाल देखने में भी कितना घंटा लगता है। पसीने से हालत खराब है, हैंकी निकल चुका है पोछने के लिए। चलिए चलते हैं। ये मैं इसका क्या फोटो ले, हाँ देखिए ना कितना भीड़ जा रहा है। बच्चों को तो सभी पेट पूजा कर रहे हैं, मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मुझे कुछ का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं और पसीने से नहा लूँगी, तो फिलहाल अभी वही लोग खा रहे हैं। मैं थोड़ा यहाँ पंडाल के पीछे बैठी हुई हूँ ऐसे, क्योंकि बहुत थक गए हैं हम लोग यार लाइन में खड़े खड़े। आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो उन लोगों को इन्जॉय करने देते हैं, तब तक मैं रेस्ट करती हूँ। हमारी गैंग अभी फुचका पे टूट चुकी है। ठीक बनाया फुचका, तो मैंने सोचा कि एक दो पीस मैं भी खा लेती हूँ, क्या जाता है, देख खिलाएगी मुझे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अच्छा बना है। Thank you.
सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। रात के 1 बज चुके हैं, लाइट इधर का ठीक है, रात के 1 बज चुके हैं और बस अब कैसे भी करके जाना है घर पे। कपड़ा खोलो, चेंज करो और सो जाओ, एकदम हालत ख़राब है। बेटा को मिष्टी दही खाने थी तो मैंने बोला जा भाई तू भी लेते हैं, तो मिष्टी दही लाने गया था। अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं और कुछ बोलूं, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूं। ऐसा रहा हम लोगों का आज का पूरा दिन, टायर्ड कर देने वाला। आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए दुर्गा पूजा।